एक ऐसी बेटी जो अपने परिवार के लिए किसी अभिमान से कम नहीं, जो दिन भर जद्दोजहद करके परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे कमाकर अपना परिवार चलाती है। 14 साल की कविता की पढ़ने लिखने की उम्र में जहां उसके हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां ये बेटी परिवार की जिम्मेदारियां उठा रही है। कविता बुंदेलखंड के छतरपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित गांव कठेवरा की रहने वाली है, जहां खेत में बने घर में अपने परिवार के साथ करीब 9 साल से कविता रह रही हैं और दूध बेचकर अपने परिवार का खर्चा चला रही हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण कविता के पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई बंद करनी पड़ी और फिर 13 साल की कविता ने घर चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। हम ही जानते हैं बहुत परेशान हैं, तो अब जैसे होता है दिग्गज से कर लेते हैं। मैं 13 साल की हूँ और मैं ही सबका भरण पोषण करती हूँ, और एक छोटा सा खेत है उसी में से घास वगैरह हो जाता है और 4-5 बोरा खाने के लिए गेहूं निकल आता है, तो उसी में 1 साल का गुजारा चल जाता है। तो हम 6 भाई बहन हैं, 6 बहन है, 1 भाई है, तो उसी में से सबका गुजारा चलता है। पिता ने बताया कि कैसे कविता अपने परिवार का सहारा बनी है और अपने 6 बहनों सहित 2 साल के भाई व माता पिता का भरण पोषण करती है। गरीबी हालत में मतलब परिवार थोड़ी ऐसे ही चला रहा है कि यदि जो हमारी बच्ची अगर ये नहीं होती तो हम अपना घर परिवार नहीं चला सकते। बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, कोई ना बच्ची ना बच्चा, कोई नहीं पढ़ रहा है। क्यों? इसलिए नहीं पढ़ रहे कि मतलब बच्ची बच्चा पढ़ा रहे तो काय में से पढ़ा लिखा रहे। कविता के जज्बे को सलाम, जिसने खेलने कूदने की उम्र में इतना बड़ा फैसला किया और ना चाहते हुए भी अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने परिवार के लिए कुछ करने की ठानी। मैं वहां पर अपने सीओ जनपद के माध्यम से पीसीओ को भेज करके पूरी जांच करा लूंगा। अगर उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला तो उनको योजनाओं का लाभ